हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आच्छल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल CGPSC e-GYAN में। और इसी सीरीज़ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि कौन से धर्म से रिलेटेड जो है धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमको इनके आंसर ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म, मतलब जो विष्णु भगवान से रिलेटेड जो है धार्मिक पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। मोस्टली जगह हम लोगों को पता होता है नॉर्मली, क्योंकि हम इन जगहों पर गए हुए होते हैं या हमने सुना हुआ होता है, बट कुछ ऐसी जगह हैं जो हमको नहीं पता है, तो आप लोगों को वहाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो वैष्णव धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वो कहाँ कहाँ पे है, देखिए शिवरी नारायण में, खल्लारी में, सिरपुर में और राजिम में। शिवरी नारायण पे क्या है, सबरी माता का मंदिर और नर नारायण मंदिर। खल्लारी में क्या है, नारायण मंदिर है। सिरपुर में है लक्ष्मण मंदिर, मतलब ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है। और राजिम में जो है राजीव लोचन मंदिर है। ये चारों जो है आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये कौन से धर्म से रिलेटेड है। फिर आपका शिव धर्म या फिर शैव धर्म, तो पाली, पीथमपुर, तालागांव और चंपारण्य। तो पाली कहाँ है, कोरबा में। पीथमपुर जो है वो जांजगीर चांपा में है। तालागांव जो है वो बिलासपुर में है। चंपारण्य जो है वो गरियाबंद में है। तो यहाँ पे शैव धर्म से रिलेटेड धार्मिक स्थल है। देखिए पाली कोरबा में क्या है, शिव मंदिर है, और ये किन्होंने बनाया था, वाणवंशीय राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने। पीथमपुर में है महादेव मंदिर। तालागांव में है रुद्र शिव प्रतिमा और देवरानी जिठानी मंदिर, ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। चंपारण्य में है चंपकेश्वर महादेव मंदिर और वल्लभाचार्य। ठीक है, उसके बाद ईसाई धर्म से रिलेटेड दो जगह पे है, एक तो मदगू द्वीप मुंगेली में और एक कुनकुरी जशपुर में। तो ये जो आपका मदगू द्वीप है वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मेला लगता है। कहाँ पे, मनियारी नदी और शिवनाथ नदी के संगम पर जो है ईसाई धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मेला लगता है मुंगेली में। उसके बाद कुनकुरी में देखिए एशिया का दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च है, ये इम्पॉर्टेंट है। कबीर पंथ, वहाँ पे जो है कबीर पंथ से रिलेटेड धार्मिक पर्यटन स्थल, एक तो जांजगीर चांपा के कुदूरमाल में और दूसरा बलौदा बाजार के दामाखेड़ा में। तो कुदूरमाल में क्या है, श्री धर्मदास के पुत्र मुक्तमाड़ी साहब ने यहाँ पे शाखा जो है स्थापित की थी। ठीक है, और ये जो दामाखेड़ा है उसे तो कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो है कबीर पंथ के संस्थापक कौन है, चूड़ामणि साहब, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है वो है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड, सिरपुर में है बौद्ध एवं स्वास्तिक विहार। जैन धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वो है गुंजी में, जो कि जांजगीर चांपा के अंदर आता है, नगपुरा में जो कि दुर्ग में है, और आरंग रायपुर में। तो आपका गुंजी में ऋषभ देव जी का मंदिर है जो कि आपके प्रथम तीर्थांकर थे। उसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो नगपुरा में है, और भांडल देव मंदिर जो है वो आरंगपुर आरंग में है। मुस्लिम धर्म से रिलेटेड लुथरा शरीफ बिलासपुर में क्या है, मज़ार है। उसके बाद तकिया अंबिकापुर में भी जो है मज़ार है। देवी माँ का मंदिर देखिए जो है रतनपुर बिलासपुर में महामाया देवी का मंदिर है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है। और चंद्रपुर में जो है चंद्रहासिनी और नाथल देवी मंदिर है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जो है मैंने आप लोगों को बताया है धर्मों के हिसाब से, मतलब वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन, बौद्ध आदि जो है उनके मंदिर धार्मिक पर्यटन कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप लोग मेरे इस लेसन को ज़रूर देखिएगा, बहुत छोटा सा लेसन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।